नमस्कार। नमस्कार बातचीत कर रहे हैं हिंदी हिंदुस्तानी सिनेमा के जाने माने विश्लेषक प्रहलाद अग्रवाल जी के साथ। नई संसद को लेकर जो शाहरुख खान ने कहा, उस पर आपको क्यों आपत्ति है? और आप अमिताभ बच्चन को आप बाजार कहते हैं, लेकिन शाहरुख खान को आप हिंदुस्तानी कहते हैं या हिंदुस्तान से प्रेम रखने वाला अभिनेता कहते हैं, दोनों में इस तरह का अंतर क्यों? एक सिनेमा विश्लेषक के तौर पर। देखिए, मैं सिनेमा का दर्शक पहले हूँ, विश्लेषक बाद में। और जो विश्लेषण है वो एक दर्शक की हैसियत से ही। मैंने अमिताभ बच्चन को भी 1969 से लगातार देखा है, आज भी देखता हूँ, और वे मुझे अप्रिय नहीं है। परंतु मैं ये जानता हूँ कि अमिताभ बच्चन बहुत शातिर खिलाड़ी, बहुत चतुर खिलाड़ी। वे जानते हैं कि कहाँ कैसे व्यवहार करना। वे हर साइज के जूते में उनका पैर फिक्स हो जाता है। वो 5 नंबर से लेकर 11 नंबर तक जाएगा और वो हर जूते को अपने मुताबिक बना लेंगे, हर परिस्थिति को अपने मुताबिक ढाल लेंगे। वे किसी के साथ नहीं है और सबके साथ है। शाहरुख खान हमेशा हमेशा जानता रहा है कि वो हिंदुस्तानी है, और वो जानता रहा है ये भी कि वो मुसलमान है। परंतु उसे अपना मुसलमान होना, पहचान बनना स्वीकार नहीं। उसके माता पिता इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में किसी भी छोटे से छोटे रूप में जुड़े रहे हैं। आप बड़ा रूप ना माने तो छोटे रूप में जरूर जुड़े रहे। और वह एक दिल्ली का साधारण किस्म का लड़का था जिसने अपने बूते पर अपनी पहचान बनाई है और बहुत जबरदस्त पहचान बनाई है। वह बड़े होने और छोटे होने के बीच कभी लड़खड़ाया नहीं। वह जब छोटा था तब भी कहता था आई एम द बेस्ट, और जब वह सबसे बड़ा है तब भी वो कह देता है कि मैं कुछ नहीं। वो सलमान खान के ईगो को भी संतुष्ट करता है, अमिताभ बच्चन के ईगो को भी संतुष्ट करता है, और दिलीप कुमार के साथ भी उस तरह जुड़ जाता है जैसे दिलीप कुमार ने अपने बेटे के ना होने की अपूर्णता को उसके रूप में पूर्ण होते देख लिया। तो कोई मामूली बात नहीं है। उसे वर्तमान सत्ता से कोई शिकायत नहीं, उसे नए संसद भवन से कोई शिकायत नहीं, उसे वर्तमान परिदृश्य जो राम राज्य की स्थापना है, और मैं कहूंगा कि विपक्ष के मुकाबले मोदी जी अलग रूप से और बिल्कुल अलग रूप से बहुत स्पष्ट हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि मैं इस लोकतंत्र में यकीन नहीं करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरी आस्था राम राज्य स्थापित करने में है और मैं उसी को स्थापित कर रहा हूं। मैं राजशाही को बेहतर मानता हूं और मैं राजदंड को इसीलिए लेकर आया हूं। और आप भले ही कहते रहें कि हमें धर्म से मतलब नहीं है, ये राजनीति का जो क्षेत्र है या जो हमारी लोकसभा है, यहाँ पर धर्म का प्रवेश नहीं होना चाहिए। मगर मैं बाहर से एक शानदार पंडितों को बुलाकर पूजन करते हुए और प्रणाम नहीं कर रहा हूँ, साष्टांग दंडवत कर रहा हूँ। जो हमारी सनातन धर्म की परंपरा है, वो सनातन धर्म जिसे हम नहीं जानते, जिसे हम रत्ती भर नहीं पहचानते, मगर उसे मुझे स्थापित करना है, या मेरा दृढ़ मंतव्य है। और एक शब्द नहीं कहता इसके खिलाफ शाहरुख खान, मगर वो अपनी स्थिति बता देता है। वह इस तरह कहता है कि नहीं, आप ही गोलमोल नहीं बोल सकते हैं, मैं भी बोल सकता हूँ। दो नावों की सवारी करना आप ही नहीं जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। और उसने जो कुछ कहा उसके दोनों पक्ष अपने अपने ढंग से मतलब निकाल सकते हैं।
और वह कहता है कि मेरे बेटे को तंग किया गया, मगर उसके खिलाफ भी उसने सत्ता के खिलाफ लगा रहा, उसको छुड़ाने के प्रयत्नों में लगा रहा, मगर वह सत्ता के विपक्ष में, सत्ता के विरुद्ध, सत्ता के निशाने पर जाकर उसने कोई बात नहीं की। वह एक ऐसी फिल्म लेकर आया जो निहायत घटिया और फूहड़ फिल्म थी मेरी दृष्टि में, क्योंकि मुझे बहुत पैसा खर्च करना पड़ा उस फिल्म को देखने के लिए। और जब मैंने वो फिल्म देखी तो मुझे लगा कि ये तो हिंदी फिल्म ही नहीं है, यह तो मार्वल स्टूडियो के द्वारा बनाई गई फिल्म है। तो यह उसने जानबूझकर किया, और उसने बताया कि देखो हम ही नहीं, हमारे साथ सलमान खान साहब भी आ गए हैं, और हम दुश्मनों से देखिए किस तरह देश को बचा रहे हैं, जिस तरह आज देश को बचाया जा रहा है, उसने सिनेमा के पर्दे पर भी बचा कर दिखा दिया। उसने बताया कि देखो हम किस काल्पनिक ऊंचाइयों में दौड़ रहे हैं, किस तरह से हम झूठ को सच बनाने में लगे हुए हैं, और हम सिनेमा के पर्दे पर भी झूठ को सच बनाकर दिखा देते हैं। इस समय जो समाज है वह समाज एकदम विभाजित समाज, और मैं कहता हूं कि विभाजित समाज भर नहीं है, मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत पतित समाज, जो अपने आप को समझ नहीं पा रहा है कि उसे क्या चाहिए। शाहरुख खान ने वो क्या जो कहा, शाहरुख खान ने क्या कहा जिसे लेकर आप मैंने थोड़ा नाराज हैं? नहीं, मैं नाराज नहीं हूं, ना मैं शाहरुख खान से नाराज हूँ, ना मैं नए भवन के उस गरिमा से नाराज हूँ। मैंने इतना शानदार भवन बना है, और जिस समय वो शानदार भवन में पूजा पाठ चल रहा था उसी समय दुर्भाग्य ये कि हमारे सप्त ऋषि जो थे वो महाकाल कॉरिडोर में औंधे पड़े हुए थे। तो ये प्रकृति हमें बता रही है, ये नेचर हमें बता रहा है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री के हवाएं चली थी, और वो सारे तो ऋषि मुनि अमिताभ टूट बच्चन करके। में और शाहरुख खान में जब आप तुलना करते हैं तो अमिताभ बच्चन को सीधे बाजार का आदमी क्यों कह देते हैं, जबकि बाजार में ही तो शाहरुख खान भी पैदा होता है और बाजार से ही कीमत बनती है किसी अभिनेता की, उसकी कमाई से, उसके रहन सहन से, उसके पास जो जमा पूंजी होती है उसी से। देखिए मैंने तो ये कहा ही नहीं, इसको अपने ढंग से ले लेना एक अलग बात है। अमिताभ बच्चन बाजार के रुख को पहचानने वाला, जीवन के रुख को पहचानने वाला सबसे शानदार व्यक्ति है। वह जब उच्चतम शीर्ष पर था अपने, तब उसने 5-6 साल के लिए सिनेमा से संन्यास ले लिया था, और उसने विचारा कि क्या करना चाहिए, और उस करने के लिए उसने पूरी तरह से अपने आप को एक दूसरे रूप में ढालने में कोई दिक्कत नहीं हुई, और वह बाजार में टेलीविजन के माध्यम से आया और टेलीविजन के स्वरूप को ही बदल दिया। पर शाहरुख खान तो शुरू से ही बाजार का सबसे बड़ा चहेता रहा है, और बाजार ने उसे कभी नहीं ठुकराया, और उसने बाजार को हमेशा सर्वोपरि मानकर उसने माना कि कला यहाँ पर बाजार के जरिए ही आ सकती है। पर शाहरुख खान उसके साथ साथ जीवन के साथ, जीवन के संदर्भों के साथ बहुत विनम्रता पूर्वक जुड़ा रहा, और अपनी स्थिति को उसने कभी इस तरह खड़ा करने की चेष्टा ही नहीं की कि कोई उस पर उंगली उठा सके, और यदि कोई उंगली उठाता है तो उसको वह भी विनम्रता पूर्वक स्वीकार कर लेता है। मुझे यहाँ सुनील दत्त याद आते हैं। सुनील दत्त ने जैसे अपने बेटे को सत्ता के द्वारा आहत होते हुए देखा था, जबकि उसमें उसका दोष उतना बड़ा नहीं था जितना बड़ा करके दिखाया गया था, दूसरे उससे बड़े दोषी थे, उसी तरह शाहरुख खान ने देखा कि करोड़ों रुपए की जो गांजा और दूसरी चीजों की तस्करी है, जो ड्रग्स की तस्करी है, उनके मुकाबले 2 ग्राम की तस्करी, बहुत मामूली सी तस्करी को कितना बड़ा रूप दिया गया,
और वह सब देखते हुए भी उसे बचाने में लगा रहा, जिस तरह सुनील दत्त अपने बेटे को बचाने में लगे रहे, वह अपने बेटे को बचाने में लगा रहा। वह अपने विशाल अहंकार को बिल्कुल पीछे ठेल कर एक साधारण आदमी की तरह, एक साधारण मनुष्य की तरह, एक पिता की अस्मिता को, एक बेटे के गौरव को बचाने में लगा रहा। यह शाहरुख खान की सबसे खास बात है। ये खास बातें आज अभी विश्लेषित नहीं की जा सकती हैं, इनको थोड़ा सा समय चाहिए, अब बहुत बड़ा समय नहीं है, अब हम उसी एक आखिरी सवाल कि पहले कहा जी जाता था जो जीता वही सिकंदर, आज उसी को बदल दे तो जो बिका वही सिकंदर। दोनों बिक रहे हैं, दोनों अपने संबंधों को चाहे सत्ता पक्ष या विपक्ष से बनाए हुए रखना चाहते हैं, रख रहे हैं। तो सवाल है कि बिकने का मामला है, जो बिक रहा है वही सिकंदर कहा जाएगा? आपका जवाब। ये तो 2 दशक से, सिर्फ मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज अभी की भर बात, 2 दशक से क्या, मैं तो ये मानता हूं कि शायद आजादी के बाद से ही, ऊपर से चाहे जो कुछ कहा जाता हो मगर भीतर तो स्थिति यही है कि जो बाजार में बिक रहा है और बिक वही रहा है जो बाजार में दिख रहा है, और बाजार में दिख वही रहा है जो अपने आप को सत्ता के आगे, चाहे वह बाजार की सत्ता हो, चाहे वह राजनीति की सत्ता हो, चाहे वह साहित्य और संस्कृति की सत्ता हो, उसके आगे अपने आप को समर्पित किए हुए हैं। जिसने भी तनिक भी सिर उठाने की कोशिश की, उसे सिर उसका नहीं काटा जाता है, उसका सिर, कटा हुआ सिर उसको ऊपर रख दिया जाता है। जो सिर दिखता तो है मगर उसमें प्राण नहीं होते, और जिसमें प्राण नहीं होते उसको कोई परखता नहीं, पूछता नहीं। तो यह तो हमारा परिदृश्य है, इसे हम स्वीकार करें तो ठीक है, और ना स्वीकार करें तो उनको कोई परवाह नहीं है इस बात की, सत्ता को इस बात की परवाह नहीं है, किसी भी सत्ता को। याद रखिए, सिर्फ राजनीतिक सत्ता नहीं कह रहा हूं, वह सांस्कृतिक सत्ता भी है, वह विपक्ष की सत्ता भी है, वह सत्ता जहां भी, सत्ता साहित्य की सत्ता आती है, संस्कृति की सत्ता आती है, कला की सत्ता आती है, राजनीति की सत्ता, और तमाम जो बाजार की सत्ता है वह सब कुछ समेट लेती है। हर चीज में बाजार सर्वोपरि है, बाजार के खिलाफ यदि आप खड़े हैं तो आपका कोई पुछैया नहीं, कोई आपको देखना तक नहीं चाहता, और आपको जो कहना हो कहते रहिए, हम आपको पीटते रहेंगे, और महिमा मंडन दूसरी तरफ चलता रहेगा, चलता रहेगा, उसे कोई रोक नहीं पाएगा। नमस्कार। सिर्फ प्रकृति के हाथ में है शायद। नमस्कार। शुक्रिया हुजूर।